तो दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी वेज कटलेट की रेसिपी। ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी और करारा होता है और आप इसे घर पे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना सकते हैं। मैं आपको पूरी विधि बताने वाली हूँ और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है, तो घर पे बनाइए और छोटी मोटी पार्टी में भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कटलेट का मसाला तैयार करेंगे। तो पैन को मैंने गर्म करके 2 चम्मच तेल डाल दिया है और 2 तेजपत्ता डाला है, साथ में 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाला है। थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर ना हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा भून जाएगा इसमें बाकी चीजें हम ऐड करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, बीन्स लिया है और बीटरूट लिया है। तो सब्जियां आप जो चाहे आप डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं 2 गाजर को बारीक काट कर लिया है, इसे हम डाल देंगे। तो गाजर को थोड़ा सा भूनेंगे 1 मिनट के लिए। बीन्स को ऐसे थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम मटर डाल देंगे। ये हरा मटर है, अभी खूब सारी आ रही है तो जरूर डालिएगा। मटर के साथ ही डाल देंगे बीटरूट और सारी सब्जियों को एक साथ में इस तरह से भूनेंगे। बहुत ज्यादा सब्जियों को गलाना नहीं है और इसमें कच्चा फ्लेवर नहीं आना चाहिए। तो अभी मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नमक, स्वाद के अनुसार डाल देंगे। उसके बाद 2 चुटकी के करीब हल्दी का पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो मसाले इतना ही हम डालेंगे और अभी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। सब्जियां 75% कुक हो चुका है। अभी मैं बॉइल्ड आलू इसमें डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को उबाल कर लिया है, पहले से ही मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है। आलू को डालने के बाद फिर हम भूनेंगे। जितना ही अच्छे से आप मसाले को तैयार करेंगे उतना ही टेस्ट इसमें आएगा। में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच मूंगफली के दाने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप यहाँ पे किशमिश भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। तो मैंने आलू डालने के बाद 2 मिनट के लिए भून लिया है, अच्छे से सारी चीजें भून चुकी है। अभी मैं गैस बंद करके इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। पूरी तरह से हमें ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल में लेना है। तो 1 छोटा बाउल लेंगे, उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच मैदा डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे पानी डालकर। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे जिससे गुठलियां नहीं बनेगी। और देखिए इस तरह से हमने एक घोल तैयार कर लिया है पतला सा। इसका क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अब मैं ले रही हूँ 1 प्लेट और उसमें हम पतली वाली जो सेवई आती है उसे मैंने लिया है, एकदम बारीक वाली आती है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आधा मैं निकाल लूंगी और आधे को अभी मैं रख दूंगी, जरूरत पड़ेगा तो मैं बाद में इसका यूज करूंगी। और देखिए हाथ से इस तरह से हमें मैश कर देना है, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े हो जाए इसके, देखिए इस तरह से। आप चाहे तो इसके जगह पे ब्रेड क्रम भी ले सकते हैं, इससे अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कुरकुरा बनता है वेज कटलेट। इसे मैं भी साइड में रख देंगे। और अब तक वेज कटलेट का मसाला एकदम से ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी 1 चम्मच। आप चाहे तो मसाले को भूनने के टाइम भी आप 1 चम्मच साबुत चीनी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी धनिया की पत्ती डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और अब मैं सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लूंगी। अगर कोई बड़े चंग से हैं आलू के तो उसको भी मैं मैश कर लूंगी। यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, अब मैं कटलेट का शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पे आलू के मसाले में से हम थोड़ा सा लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो दोनों हाथों के हेल्प से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से सिलेंडर शेप बना देंगे, आप टिक्की का शेप देख सकते हैं और या फिर राउंड शेप कर सकते हैं। तो मैं सिलेंडर शेप में बना रही हूँ, देखिए इस तरह से हाथों से भी कर सकते हैं। तो सारे कटलेट को मैंने शेप दे दिया है और यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीजों को एक जगह पे कर ली हूँ। अब हमने जो कॉर्नफ्लावर और मैदा का घोल बनाया है मैं एक कटलेट को डिप करेंगे इस तरह से, अच्छे से कोट करना है। उसके बाद हम सेवे के चूरे में डालेंगे इस तरह से, सेवे को लगाना है ऊपर में, अच्छे से दबाते हुए कोट करना है और एक्स्ट्रा को निकाल देना है। देखिए एक कटलेट बनके तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरे को डिप करेंगे घोल में, उसके बाद सेवे के चूरे में कोट करेंगे इस तरह से। इससे बहुत अच्छा क्रिस्प आता है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 बैच के लिए रेडी कर लिया है। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो तेल को मैंने अच्छे से गरम किया है। तो अब मैं एक एक करके कटलेट इसमें डाल दे रही हूँ। कटलेट डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में ही इसे हम फ्राई करेंगे। और गरम तेल में ही आपको इसे फ्राई करना है, वरना ठंडे तेल में कटलेट बिखर सकता है। तो देखिए थोड़ी देर में मैंने इसे उलट पलट कर दिया है और कितना अच्छा इसमें कलर आया है आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्प बना है। लगभग 3 से 4 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो देखिए मैंने तेल से बाहर निकाल लिया है, कितना अच्छा इसमें कलर आया है और बिल्कुल क्रिस्प बना है। दूसरा बैच इसी तरह से फ्राई करेंगे। लीजिए दूसरा बैच भी
फटाफट से रेडी हो गया। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हमारी कटलेट बनके तैयार हो गई है। तो मैं आपको इसका साउंड सुना रही हूँ। मैंने जब इसे बना के सारे परिवार वालों को खिलाया तो सभी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। मुझे उम्मीद है आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो इंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।